हालत से कमजोर, इतनी थकाई लग गई मेरे को। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं दीपक नौटियाल और आप देख रहे हैं मामा भांजा ब्लॉग। शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो आज है 2 अक्टूबर, तो मेरी है छुट्टी, तो मैंने आज बहुत काम करना है क्योंकि आपको पता है कि श्रीमती जी मेरी यहाँ है नहीं, तो मेरे को कपड़े भी धुलने हैं आज और मार्केट जाना है क्योंकि एक चश्मा टूट गया मेरा, दूसरा बनाना है, तो मैं एक स्पेयर में रखता हूँ क्योंकि अगर एक ख़राब हो गए तो दूसरा यूज़ कर पाऊँ क्योंकि नज़र मेरी बहुत कम है। तो अभी मैं पहले कपड़े धुलता हूँ, कमरे की सफाई करता हूँ। और दीदी बोल रही थी मेरी कि अभी खेत भी खोदना है, तो देखते हैं अभी टाइम मिलेगा तो खेत खोदेंगे। तो आप यूँ ही मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहे। जाता हूँ मैं ऊपर, दीदी आवाज़ मार रही है मेरे को भी ऊपर आना, तो पता नहीं खेत पर खुदाते आ। अंधेरा कर रखे इन्होंने, ये बर्तन धुल रहे हैं। तो दोस्तों आ गए मैं ऊपर, तो दीदी आवाज़ मार रही थी, क्यों बुला रही थी? खेत खोदने के लिए। खेत खोदना है? देखो आज छुट्टी है भयंकर, खेत खोदने। अभी मैं पहले कपड़े धुलूंगा नीचे जाके, कपड़े तब मैं भी तब धुलूंगी, कपड़े बाद में धुलने हैं। तो वो फोड़ा किसका लाना है? मांग के लाए, किसी का। पूरा खेत खोदना है क्या? तो मैं ठीक है। तो मैं फिर मार्केट भी जाने आज, चश्मा भी तो 2 मिनट का पता नहीं क्या होता है। ये देखो 2 छत पार करके आ गए मैं, अब उनके घर जाने में दूसरा छत पार करता हूँ। अरे नितिन लिंगवाल, ये देखो नितिन लिंगवाल कैसा बन रहा है, चूना कर रहा आज। अगर किसी को अपने घर में भी कराना है तो बुला लेना। कितने रुपये दिहाड़ी लेगा भाई? देखो ये होते कॉस्ट सेविंग। देखो इन्होंने किसी को बुला नहीं रखा, आज 2 अक्टूबर का दिन है और ये खुद घर में कर रहे हैं। देखो वो प्रवीण भाई, देखो ऊपर चढ़े, वो ऊपर से वो कर रहे हैं। प्रवीण भाई मेरे को फोड़ा चाहिए यार, जरा खेत खोदना है जरा। किन के यहाँ से? वहाँ रखे हैं उनके। आपका कहाँ है? अच्छा वहीं से ले जाऊँ, मैं जा रहा हूँ फोड़े के लिए, भले उधर रुक से लाने पर फोड़ा। तो फाइनली फोड़ा मिल चुका है, अब खोदेंगे खेत। आज हम ऐसा खोदेंगे खेत किसी ने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो फोड़ा मिल चुका है, तो ये दीदी काट रही है पहले घास, फिर खोदूंगा मैं उसको। पहले घास काटेगी ना, तो ये घास काटे, देखो कितना खोदना हमने। ये मैं जाता हूँ खोदने के लिए, और अब देख कैसे खोदता हूँ मैं, किसी ने सोची ना होगी कि कैसे खोद रहा हूँ मैं। नहीं खोद पाओगे। ये है मामा महेशमती साम्राज्य। अच्छे से खोदो मामा, थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए। हालत से कमजोर, इतनी थकाई लग गई मेरे को। एक मिनट भी नहीं हुआ थकाई लग गई। कमजोर आदमी हूँ मैं। दोस्तों पहले हम बहुत खोते थे गांव में, अब आदत हो गई खराब, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ शहर में लेने लग गए। अब देखो ना, पहले हम 15 किलोमीटर तक पैदल चलते थे, अब 1 किलोमीटर भी। टप्पी की बारी, अब भांजा मामा और भांजा आज इस खेत को ऐसा खोदेंगे कि किसी ने सोची नहीं होगी। खोद भाई तू, खोद। लग गया थोड़ा, पानी पीते हैं।
पानी तो ठंडा नहीं है रे। थक थक के दोस्तों हो गया बिहार। मामा ने ले लिया इतना बड़ा रेस्ट और अब देखो खोद रहे हैं। हाँ मैं तो थक ही गयो। मामा फाइनल हो गया आपके और मेरी मेहनत रंग लाई। मम्मी भी अपना वहाँ पे लगी है। फाइनली कंप्लीट हो चुका है और थकाई भी लग गई तो खोद दिया मैंने इतना और ऐसा पसीना निकल रहा किसी ने सोचा ही नहीं होगा। यहाँ देखो मेरे छाले भी हो गए। इसके छाले पड़ गए। अब दीदी वहाँ कुछ बीज बो रहे हैं उधर को। और क्या बो रही दीदी उधर बीज? मेथी। तो अब जाते हैं मार्केट थोड़ा सोते हैं। अब कपड़े तो आप ही धुलना मैं नहीं धुलूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं पहले नहाता हूँ, पहले थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। चलो टप्पी अब ना। ये टप्पी खेत खोद के यहाँ नहा रहा है। अरे ढंग से ना इधर को आगे आगे नहा। हाँ हाँ थकाई लग गई बहुत। आनंद आ गया इसका शरीर। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम का समय, 5 बज रही है। तो मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि चश्मा बनाने। तो मार्केट बंद भी हो सकता है आज क्योंकि आज पूरा उत्तराखंड बंद है। तो देखते हैं। तो आज नितिन करेगा ड्राइविंग। तो ले भाई चाबी पकड़। तो आज नितिन चलाएगी हमारी बसंती को। सेल्फ है सेल्फ सेल्फ मार भाई तेरे को कौन क्या। अरे न्यूट्रल कर पहले गाड़ी। तो आराम से भाई आराम से। ओए ये कैसा बाइक चला रहा है यार, नया नया बंदा लग रहा है मेरे को ये बाइक चलाने वाला। पहुंच चुके हैं हम। अब जाते हैं विशाल में, वहाँ है चश्मे वाला। तो चलें भाई। तो मैं एक ही जगह से चश्मा बनाता हूँ, रामपुर वाला ही से। देखो चश्मों की दुकान बहुत सारी और ये है रामपुर वाला, इससे चश्मा बनाता हूँ मैं। तो देखो तीन चश्मे लेके घूम रहा हूँ मैं। ये तो टूट गए, इसको तो बनाऊंगा मैं बना तब। तो अभी पहले डंडी चेंज कर रहे हैं दोस्तों। फाइनली मैंने डंडी लगा दी है। तो नितिन भाई तो नहीं बनाओ तो चश्मा क्यों नहीं बनाओ? बनाओ तो तीन हो गए ये तो, तब क्यों बनाने? तीन हो गए देखो, एक दो तीन, एक हो गया, चार चश्मे थे। तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो ये बोला है इन्होंने। तो दोस्तों इस चश्मे को कंटिन्यू पहनना पड़ेगा मेरे को 5-6 दिन, तब जाके सेट होगा चश्मा। तब अब मैंने बनाए नहीं डंडे लगाए, अब चलते हैं यहाँ से। चलो भाई। तो थोड़ा मैं आपको विशाल वाला दिखाता हूँ, विशाल मेगा मार्केट है यहाँ। और इस चश्मा सेट नहीं हो रहा यार। तो अब हम निकल चुके हैं यहाँ से और आजा भाई। तो आज मेरे गाड़ी की क्लच प्लेट भी ख़राब हो गई, अब कल क्लच प्लेट बदलनी पड़ेगी। किस्मत ख़राब चल रही। नितिन तू ऐसे कर, तू पैदल आ, ये बहुत भारी हो रहा है, ये गाड़ी खींच ही नहीं पा रही इसको।
ठीक है, कुछ नहीं बदलना, कल प्लेट कल बदलना, कल बदलना। तो यार नितिन देखिए बाइक मेरे को छोटी लग रही है चश्मे से, निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं यहाँ से मार्केट से घर के लिए, और तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं संडे बाज़ार, और यहाँ से नितिन भाई को समोसे खिलाएंगे वाला हमें चले भाई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रात का नज़ारा संडे बाज़ार जयनगर में। इधर से चलते हैं, इधर से आजा। फाइनली मैं रूम पे पहुंच गया हूँ, और अब थोड़ा दीपक लगाता हूँ। तो गाड़ी की क्लच प्लेट टूट गई मेरी, गाड़ी धक्का मारना पड़ा उसको, अब कल उसको बनाऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहना मामा भांजे ब्लॉग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।